रतलाम शहर के बजरंग नगर में निवासरत गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी आज निगम के अधिकारियों ने बिना नोटिस के उनकी झोपड़ी हटा दी, जिससे नाराज गरीबों ने कलेक्टर ऑफिस में आकर अपना दुख जाहिर किया। गरीब परिवार के लोगों का कहना है कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। जब गरीब परिवार के लोगों की कलेक्टर ऑफिस में किसी भी अधिकारी ने बात नहीं सुनी तो गरीब परिवार के लोगों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर की मेन रोड पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना जैसे ही अधिकारियों को मिली तो आनंद फानंद में अधिकारी आए और उनकी बात सुनी। वहीं फिर कलेक्टर ने गरीब परिवार के लोगों को आश्वासन दिया कि मैं दिखवाता हूं, और कलेक्टर ने कहा कि जो अतिक्रमण हटाया गया है वो नए बनाए गए उनको हटाया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि हम लोग तो कई वर्षों से एक ही जगह पर निवास कर रहे हैं। फिर कलेक्टर ने कहा कि झूठ मत बोलो, ये जो सरकारी जमीन है ऐसा नहीं होता है कि चार बल्ली गाड़ के वहाँ रहने से अपना कब्जा नहीं कहलाएगा। वहीं कलेक्टर के आश्वासन के बाद जमा भीड़ शांत हो गई। सर हम जहाँ रह रहे थे 4-5 सालों से, वहाँ आके अचानक आके सर हमारी टापरिया दौड़ाते हैं। कहाँ के निवासी हो? हम अर्जुन नगर के। आपको पहले कोई नोटिस वगैरह दिया था? कुछ भी नहीं दिया था। 5 मिनट की भी मोहलत। आज क्या कुछ हुआ आपके साथ? आज ये हुआ सर कि हमारे बच्चे सो रहे थे, हम काम धंधे वाले थे सर, हम लोग गरीब लोग और हम काम धंधे वाले थे, हम काम पे गए थे और हमारे को पता भी नहीं चला और आके हमारी टापरिया तो दसा दी। इसके पहले कहाँ रहते थे? वही रह रहे थे सर, हम तो ऐसे पुले नीचे रह रहे थे, कभी इधर उधर भटक रहे थे सर, और वहाँ जगह मिली हमारे को पता चला हम रहने लग गए, और हम इतने सालों गए, इतने सालों कोई भी नहीं आया, और अब 8 दिनों लगातार हम आपको परेशान कर रहे हैं। जो साथ देने वाले खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, किस बात के लिए कार्रवाई कर रहे हैं जो हमारे साथ खड़े हो रहे हैं उनको? कुल कितनी झोपड़ियाँ तोड़ी? हमारी झोपड़ियाँ तोड़ी सर 50 हुई की सर, और हमारे तो सर 2 दिन से मैं इधर उधर टापरी लेके दौड़ रही, उधर उधर से हमारी टापरी दे रहा है। हम गरीब लोग कहाँ लेके जाएंगे? 100-200 रुपए चल रहे हैं, हम घर चलाएंगे कि टापरिया बनाएंगे दो दो भग भग के? हमारे तो 3 लाके थे वो भी सब फट गई, तो लाके देंगे क्या? हमारे बच्चे कैसे लगी देखो सर, ये इसका इलाज कौन कराएगा? ये तो कम लगी है, कभी ज्यादा लगते तो कौन देगा? हमारे पैसे को देगा? ये बोलो कि देंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम इतना चाहेंगे, हमारे को बस जगह चाहिए रहने की, हम नहीं जाएंगे वहाँ से। 8 दिन से परेशान कर रहे हमें। आपका नाम? सुंदर वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एंट्री।